बच्चों, आज हम फिर जो है आगे का देखेंगे कि हम लोग बना रहे थे, तो फिर हम आज आगे देखेंगे कि जीव हटकी के बारे में देखेंगे। उससे पहले हमारे की किस तरह से है उसके बारे में देखते हैं कि का उपयोग क्या है, कैसे है, ये देखिए है। देखिए की के बारे में देखें, कुंजियाँ अस्थायी फास्टनर होती हैं। इनका व्यापक रूप से प्रयोग पुलियों, गियरों, क्रैंक, भुजा, पहियों के हब और कपलिंग के फ्लैंजों को शाफ्ट पर पकड़ने के लिए किया जाता है। कुंजियों के निम्नलिखित कार्य होते हैं, ये ध्यान लीजिए। शाफ्ट और पुल्ली या हब, शाफ्ट और पुल्ली या हब के मध्य सापेक्ष घूर्णन गति को रोकना, मशीनों को जोड़ने और अलग करने की सुविधा देना, शाफ्ट से पुल्ली या हब पर शक्ति और गति को पारेषित करना या इसके विपरीत, इसे आसानी से बदला जा सके, ओवरलोडिंग स्थितियों से मशीनी भागों की रक्षा करना। आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा शाफ्ट है, ये हमारा शाफ्ट है, ये हमारा हब है। इन दोनों को जो है हम देखते हैं। देखिए ये देखिए ये देखिए ये हमारा शाफ्ट है और ये हमारा हब है, ये हमारा हब है। इस शाफ्ट में यहाँ पे यहाँ अंदर की तरफ मटेरियल निकला हुआ है और ये हमारा की है। इसमें शाफ्ट में हमारा इसके की के हाफ मटेरियल इसमें निकला हुआ है और टी के हाफ के बराबर यहाँ से मटेरियल निकाला गया हब में। इन दोनों को जोड़ा जाता है और इसमें की लगा दी जाती है, फिर जो है ये उपयोग में लाया जाता है, फिर इसका असेंबल होकर के तो हमें देखते हैं कि ये देखिए इस तरह का बनता है। ये हमारा शाफ्ट हो गया, यहाँ हमारा की लग गया है, ये हब का है, ये हब का है, ये बन गया है। और यहाँ बनने के बाद से ये इसका साइड भी लिया गया है, यहाँ से ये पहले हो गया है, फिर यहाँ से ये हो गया है, फिर ये शाफ्ट का हो गया है और इसके अंदर यहाँ पे जो की लगी है उसकी को यहाँ पे लगा दिया गया है, जो शाफ्ट के आधे भाग पे शाफ्ट में है और आधा हमारे हब में जो की भी बना हुआ है उस पे है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारा डी है जिसे शाफ्ट के दिए हैं। तो ये इसका इस तरह से ये इसका काम होता है। इसके देखने के बाद से हम जो है आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे होता है, क्या करता है, इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? जीव हेड की, यहाँ देखिए जीव हेड की यह कुंजी टेपर सब कुंजी के समान होती है, परंतु एक सिरे पर जीव शीर्ष यानी कि जीव हेड बना होता है। इस शीर्ष की सहायता से इस कुंजी को सरलता से कुंजी मार्ग में लगाया व निकाला जा सकता है। ये है एक दूसरे रूप से बता रहे हैं, उसमें दिखाया है कि इस तरह से है। ये देखिए जीव हेड के बारे में इसमें बताया है कि सीएम वर्मा की बुक है कि इस कुंजी की अनुप्रस्थ काट वर्गाकार या आयताकार होती है। इसके एक सिरे पर जीव बना होता है जिसे जीव हेड कहते हैं। इस जीव हेड के कारण इन्हें शाफ्ट से निकालने में सुविधा रहती है। इस कुंजी की मोटाई में 1:100 का टेपर होता है। इनका उपयोग ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जहां अधिक कंपन उत्पन्न होते हैं। ऐसे स्थिति में किया जाता है जहां पे अधिक कंपन उत्पन्न होते हैं। तो जीव हेड है, अभी आप लोगों ने फंक्शन देखा, एक बार थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये देखिए ये हमारा शाफ्ट है, ये हमारा की का आधा पार्ट इसमें आ रहा है और ये हमारा बुश है,
इसका आधा पार्ट जो है की का आधा पार्ट इसमें जाएगा, फिर इस तरह का ये यहाँ पे बनेगा। और ये हमारा यहाँ की है जो यहाँ साथ में यहाँ दिखाया गया है, और ये हमारा ये है, ये इसकी चौड़ाई है, ये की लगा हुआ है टी बाई टू, इसकी मोटाई है टी बाई टू, आधा सॉफ्ट के अंदर और आधा हब के अंदर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये इसका असेंबल दिखाया गया है। अब हम लोग जो है इसे ड्राइंग में कैसे देखते हैं, ड्राइंग में कैसे बनाते हैं, इस पे देखेंगे किस मतलब इसमें किसका क्या अनुपात होता है, किसका क्या अनुपात होता है। तो उसके लिए हम जो है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जीभ हटकी है, ये देखिए ये हमारा जीभ हटकी है, ये जीभ हटकी है। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि यहाँ पे जीभ लगने की वजह से ये आसानी से निकाला जा सकता है, लगाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे जीभ लेट लगा हुआ है। अब देखिए ये हमारा जो है ये विर्थ, ये यहाँ से इसकी चौड़ाई दिखा रहा है, ये टी ये यहाँ से इसकी मोटाई को देखिए, ये यहाँ से मोटाई दिखा रहा है। ये डाया है जो हम डायल लेते हैं, डाय ऑफ सॉफ्ट, सॉफ्ट की जो डायल लेते हैं, ये टी दिया है 0.67 डी या डी बाई सिक्स होता है, और डब्ल्यू हमारा है डब्ल्यू हमारा 0.25 डी या डी बाई फोर ये होता है। अब हम इसमें से हम जो है डी मानते हैं कि डी हम कितना लें, 40 लें, 60 लें, जो भी लें, उसके हिसाब से हमारी वैल्यू चेंज होती है। वैल्यू चेंज होती है इसके बाद से जो है तब हम देखते हैं कि हमारा कितना कितने का वैल्यू आ रही है, उसके हिसाब से तब हम उस ड्राइंग को बनाते हैं। इसके लिए हम जो है दिखाते हैं, बना कर रखे हैं, इसे हम दिखाते हैं अपनी कॉपी में। ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए ये हमारा हो गया जीभ हटकी, ये हमारा जीभ हटकी है। जीभ हटकी में हम डी को हमने 40 माना है, डी को हमने 40 माना है, डब्ल्यू हमारा जो है 0.25 डी है, इस तरह वैल्यू हमने निकाल लिया, तो 10 mm हमारा डब्ल्यू हो गया। टी हमारा जो है 0.67 डब्ल्यू ये हमारा है, या हमारा टी होता है डी बाई सिक्स भी होता है, जो भी हम एक वैल्यू लेकर के कर लें। तो ये हमारा इस तरह से वैल्यू आएगा, तो हमारा 6.7 mm का ये हो जा रहा है, टी हो जा रहा है। एल हमारा होता है 1.5 डी यानी कि लंबाई एल, तो 1.5 डी 40, तो हमारा 60 mm जो है हमारा ये लंबाई आ जा रही है। अब हम इसे देखते हैं कि ये इस यही है, ये हमारा जीभ हटकी है, इस तरह से है। इसमें आपको स्पष्ट अगर नहीं दिखता है तो हम जो है बुक से दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये है, या फिर जो है दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे बना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल तौर पे बना हुआ है, जो सरलता से यहाँ पे जैसे हब पे लगा दिया गया है, और ये इतना बाहर रहा था जिसे सॉफ्ट में और हब में लगा देने के बाद सही से जीभ हेड होने की वजह से ये बारीक से सरलतापूर्वक निकाला जा सकता है। इसे यहाँ लिखा गया है कि कुंजी की चौड़ाई डब्लू डी बाई फोर, हम डी मान लिए 40, तो उसके हिसाब से हमारा वैल्यू आ गया। कुंजी की मोटाई टी डी बाई सिक्स, इसके हिसाब से हमारी उसकी मोटाई आ गई कुंजी की। मानक टेपर हमारा 1:100, ये हमारा टेपर का हो रहा है। शीर्ष की ऊंचाई एच जो हो रहा है 1.75 टी, और शीर्ष की चौड़ाई जिसे 1.5 टी ये हमारा आ रहा है। और ये जीभ हटके है, यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ देखिए यहाँ जीभ हटके लग करके और इसमें इस तरह से सो किया गया है, ये जीभ हटके हो गया, और यहाँ पे भी दिखा दिया गया है इस तरह से यहाँ से लगा हुआ, आधा सॉफ्ट में आधा ऊपर की तरफ ये लगा हुआ है। तो ये तो हो रहा है, अब हम इसे बनाते हैं। बनाने के लिए देखिए कि सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है
कि जो वैल्यू है हमारी, जो वैल्यू है, वैल्यू निकाल लिए। यहाँ देखिए जो वैल्यू है इस हिसाब से हमने वैल्यू निकाल लिया। वैल्यू निकाल लेने के बाद से ये क्लियर हो गया सब। वैल्यू हमने डी मान लिया 40, डब्ल्यू निकाल लिए, टी निकाल लिए, एल निकाल लिए। अब बारी आती है बनाने की, तो फिर हम जो है बनाते हैं। तो ये डिस्टेंस हम लार्ज एल लिए, जो हमारा 60 mm आया हुआ है, 60 mm जो है गए। फिर ये टी जो हमारा दिखाया गया है, ये डिस्टेंस लिए इसके हिसाब से। फिर ये डिस्टेंस लिए, फिर इसको मिलाए, आगे की तरफ लाए। फिर ये डिस्टेंस W जो हमारा आया हुआ है, W हमारा जो है 10 mm की तरफ है, तो ये W को बराबर ये डिस्टेंस लिए, फिर ये डिस्टेंस को मिलाए। फिर इसको मिला देने के बाद से हम देख रहे हैं इसे, फिर 45 डिग्री पे, यहाँ से 45 डिग्री पे इसे ले जा रहे हैं उसी दिशा में, फिर इसको ले गए, फिर इसे मिला करके हम यहाँ से हमारा बन गया। फिर यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस जो हो रहा है 1.75 t हो रहा है, ये डिस्टेंस हो रहा है। और टेपर हमारा हो रहा है 1 in 100 ये हो रहा है। और यहाँ से और यहाँ तक का जो है डिस्टेंस का दिखा रहा है 1.5 t। तो इस तरह से हमारा जिब हेड तैयार हो जाता है। बनाना बहुत ही आसान है जिब हेड। इस तरह से हमारा जिब हेड की तैयार हो जाता है। जिब हेड की तैयार होने के बाद से हम एक की और देखते हैं। वो की हम देखते हैं, आप लोग बता रहे हैं कि वो की हम देखते हैं राउंड की या पिन की, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी क्या है कि ये हमारा लंबाई हो रहा है और ये हमारा टेपर ऑन डाया ये हो रहा है। तो इसे भी हम जो है डी एम मान लेते हैं, फिर इसकी लंबाई के बराबर हम इसे मिला देते हैं। ये पैरेलल हो जा रहा है और फिर इसकी लंबाई मतलब इसके रेडियस के बराबर हम सर्किल ले लेते हैं, सेंटर लाइन मान लेते हैं। और इसी तरह से इसका भी जो है 1.50 mm पे ये टेपर है, यानी कि 50 mm जाने के बाद से ये हम 1 mm टेपर होते हैं। तो ये है इस तरह से इसका ये सर्किल जो है बड़े वाले का रहा है, और ये छोटे वाले का जो है इधर से देखते हैं तो दिखाई नहीं देता है, तो ये टॉप टेपर हो जाता है। इसका डी हम लेते हैं डाया ऑफ शाफ्ट, इसका ये है डी बराबर 1.0170। और फिर शाफ्ट बनाते हैं, फिर शॉर्ट बनाते हैं, शॉर्ट में जहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पर भी लगाया जाता है। तो अब ये देखना है कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। दो सब पहले हम इसके उपयोग के बारे में देख लेते हैं, तब हम आगे फिर जो है किस तरह से बनता बनाते हैं तो हम देखते हैं इसके बारे में। ये हो गया हमारा राउंड, ये हमारा हो गया राउंड और पिन की, यानी कि गोल या पिन की। इनका अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होता है। इन्हें ऐसे स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहां कम शक्ति का संचारण होता है। ये समांतर होती है और टेपर होती है। राउंड या पिन की इसे हम यहाँ बनाए हुए हैं। ये सारे इसके वैल्यू यहाँ पे लिखे गए हैं। डी हमने 40 ले लिया, डी 40 लिया इसके लिए भी। एल हमारा जानते ही हैं कि 1.5 d है। इस तरह से वैल्यू हमारा 60 mm इसका हो गया। डी जो है डी बाई सिक्स, स्मॉल डी यानी कि डी बाई सिक्स हो गया। तो इस तरह से हमारा लगभग 7 mm मान लेंगे, 6.7 होगा तो लगभग 7 mm ले लिए। तो इस तरह से हम जो है ये हम लंबाई हो गई हमारी 60 mm की, और ये हमारा डी हो गया, ये लगभग 7 mm के हमें लेकर के मिला दिए, फिर इससे मिला कर ये कर दिए। ये हमारा टेपर वाला हो गया। ये दो तरह के होते हैं, पैरेलल होता है या टेपर होता है। ये हमारा टेपर हो गया, ये हमारा डी हो गया, स्मॉल डी हो गया, टेपर इन ऑन डाया एक अनुपात 50 राउंड की या पिन की। तो इसका सर्किल ले लिए, ये इसके रेडियस का सर्किल लिए और इसके रेडियस सर्किल डटे, ये टेपर की हो गए। दोनों ही मिटवाल बहुत ही अमूमन कम इसमें जो है। इस तरह से हमारा ये भी तैयार हो रहा है।
और देखते हैं कि जो है ये भी हमारा बिल्कुल आसान है। जब आप जो है एक पेंसिल लीजिए, एक स्केल लीजिए, एक कंपास अपने पास रखिए और इसे जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल हजाना टाइम से बन जाएगा। क्योंकि जो है थोड़ा सा टाइम जी भेट की ले सकता है, जी भेट की ले सकता है। ये दोनों फिगर जो है देख लीजिए, यहाँ पे हम बना कर रखे हुए हैं। ये सारा जो है जी भेट की का वैल्यू है, जी भेट की का वैल्यू है, देख लीजिए। और यहाँ पे जी भेट की बना हुआ है, जी भेट की देखिए बना हुआ है। इस तरह से हमारा जी भेट की बन करके तैयार हो रहा है। और फिर तब ये हमारा इसे देख लीजिए पूरी तरह से किस तरह से बना है। इस तरह से हम बना लेंगे जी भेट की और राउंड राउंड की इस तरह से बना लेते हैं। बना लेने के बाद से इसका उपयोग जो है हब या सॉफ्ट के साथ जो है किया जाता है, हब या सॉफ्ट के साथ होता है। पहले देख लीजिए डी से, इसमें भी डी आपका 40 लिया गया है, एल 1.5 लिया गया है। इस तरह से ये तैयार होता है सारे वैल्यू हैं और इस तरह से इसकी ये ड्राइंग बनी हुई है। आप भी बनाएंगे तो इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। इसे आप बुक से देख लीजिए तो हमारी इस तो वैल्यू के लिए आप लोगों के पास हम लाए हैं। और बुक से भी देख लीजिए, इसे आप लोगों के पास बुक होगी, बुक में देखिए, बुक में और भी क्लियर रहेगा। और फिर से हल्का ये देखिए, यहाँ पे जी भेटकी में यहाँ पे सी एम वर्मा की हिंदी टाइप वाली बुक में दिखाया है 1.5D, जबकि ये 1.5T हमने पेंसिल से काट कर से बना दिया, 1.5T होता है। और ये होता है सारे इसके वैल्यू हैं। और जी भेटकी हो गया, यहाँ अराउंड की और पिन की इसके वैल्यू हम ही आपको दिखा दिए हैं और ये इसका बन गया है। इसके बारे में आपको बता दिए हैं कि ये सॉफ्ट हमारा हो गया, सॉफ्ट में हमारा ये पे डी पे इसके आधा सॉफ्ट में आधा अब में ये हमारा हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। पूरा पूरा देख लीजिए इसे, इसे आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। और इसका उपयोग कहाँ होता है, अभी हमने आप बारे में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है, ये कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कौन सा कहाँ लगाते हैं, जी भेट की कहाँ लगाते हैं और राउंड की को कहाँ लगाते हैं, इस तरह से ये हम जान लेते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।